ओके सो लेट्स डू द टेस्ट राइड। और मेरी ब्लॉगिंग स्प्लेंडर पे ही होगी। ये स्प्लेंडर का तिरकुट है जो उसको साफ करने काम आता है। एंड लेट्स गो। हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? आई थिंक कैमरे का एंगल थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? सो कैमरे का अनबॉक्सिंग हो गया था, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख लो। तुमको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आ रहा हूँ आई बटन, वहाँ से लिंक लेके तुम कैमरे का अनबॉक्सिंग देख लेना। अब जो है कैमरे को माउंट करना रह गया, जो कि कैमरा ये तो इसका बॉक्स है, ये रहा कैमरा, इसको हम माउंट करेंगे यहाँ पे। चलो आज इस पर काम करते हैं और आई होप कि ये वीडियो तुम्हें के लिए यूजफुल है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हेलमेट चाहिए, मतलब इसी बात फिर चीज़ हमें चाहिए हुई। एक जे हुक आता है इसके साथ, जो कि इस कैमरे के साथ जे हुक नहीं मिला था मेरे को, लेकिन अलग सी चीज़ें मिली थी जिसका मैंने जे हुक बनाया। ये मैं तुमको दिखा दूंगा कि जे हुक कैसे बना सकते हैं उसमें तुम, ठीक है। साथ में फिर चाहिए तुम्हें माउंट। माउंट में एक ये फ्लैट माउंट है, ये कर्व माउंट है। कर्व माउंट हमेशा कर्व वाले हेलमेट में लगता है। कर्व वाला हेलमेट मतलब जिसका ये जो है चिन, ये कर्व, इस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कर्व है, तुम देख सकते हो ये ऐसे आ रहा है, हल्का सा मुड़ जा रहा है। इधर से भी ये ऐसे जाता है, ना कि फ्लैट ऐसे जाता है, ना ही ऐसे जाता है। इसको मैं लगाऊंगा। अब तुम थोड़ा ध्यान से देख रहे, इसमें तुमको गैप दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में। इस गैप को फिल करने के लिए हमें चाहिए होगा एमसिल। एमसिल से बनाएंगे एक बेस। उसके साथ हमें चाहिए एक मास्किंग टेप। मास्किंग टेप की हेल्प से हम बेस बनाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट एमसिल इस पर चिपका नहीं सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट इस पर एमसिल लगाया तो पूरा ख़राब होने के चांसेज है। ओके, अभी अब कुछ भी लगाने से पहले सबसे पहले हम इसका वाइजर निकाल देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे मास्किंग टेप, ताकि ये सेफली हम इस पर एमसिल लगा कर इसका एक बेस बना सकें। हम इसके माउंट पर भी मास्किंग टेप लगा देंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एमसिल का। मिक्स इट टिल इट टर्न्स ब्लैक। उसके बाद हम इसके बेस पे इसको लगाएंगे। फिर तो हम इसको अपने हिसाब से सेट करके इसको अच्छे से प्रेस करो। अब इसको लगाने के बाद से जो भी इसका साइड का एक्सेस एमसील है तुम उसको निकाल लो, ताकि ये फालतू का एडवांस ना रहे इधर। ये पूरी रात सूखेगा, उसके बाद हम इसको कल दोबारा इस पर निकाल के इसके बेस को सही करके फिर अटैच कर देंगे इसमें और माउंट कर देंगे अच्छे तरीके से। नाउ आई विल शो यू गाइज कि इसका जे हुक कैसे बनाना है। अब जो एस जे कैम का एस जे सिक्स है, उसमें जे हुक अलग से नहीं दिया हुआ है, बट ये तुम्हारे पास ये दिए हुए हैं दोनों। ये एक्सटेंडर की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी जब तुम कैमरे को माउंट करोगे तब। अब जे हुक बनाने के लिए सिंपल सा तुम इसको लगाओ इसमें, ये हो गया इन द मिडल, और ये रहा तुम्हारा इसका नट। अब यहीं तुम्हारा जे हुक का काम करेगा। तुम देख सकते हो ये थोड़ा सा इसका एंगल मुड़ा हुआ है। फाइनली मैंने इसको पूरी रात छोड़ दिया था, ये सूख चुका है, हार्ड हो चुका है कम्प्लीटली ये, ठीक है। अब मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, सी ये निकल गया है, और ऊपर के पोर्शन को भी निकालेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे नीचे से ये निकल जाए, दैट्स गुड। बस ये नहीं चल रहा मेरा टूट जाए कुछ। ओह थैंक गॉड, ये निकल गया, एकदम अच्छे से निकल गया है। ओके सो ये दोनों निकल चुका है। ये रहा इसका माउंट, और ये रहा जो हमने बनाया था बेस इसका। अगर तुम चाहो तो इससे भी थोड़ा सा इसको फाइल कर सकते हो, थोड़ा सा रफ हो जाएगा तो इजीली चिपकेगा ये। अब जो मेन काम है वो है इसको चिपकाने का। माउंट को पहले हम इस पर चिपकाएंगे, और इसको हम इस पर चिपकाएंगे। ध्यान रखना ये स्टिकर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसको थोड़ा सा तुम अगर घर पे हेयर ड्रायर हो उससे थोड़ा सा इसको ऊपर का ये कवर निकालने के बाद से हेयर ड्रायर से
ब्लो कर देना ताकि, या ब्लोअर से ब्लो कर देना ताकि गर्म हो जाए तो जल्दी चिपके। ध्यान से स्टिकर को निकालना, एक बार में चिपकता है, दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने लगा दिया है, अब इसको इस पे लगाना है। अब हम यूज़ करेंगे 3M का डबल कोटेड टिश्यू टेप। एकदम ध्यान से लगा, ध्यान रखने, थोड़ा कर्व है ठीक है, तो इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करना ताकि ये कर्व का शेप ले, और फिर इसको आराम से एकदम, एक ही मौका मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का, प्रेशर थोड़ा सा रहेगा तुम्हारे ऊपर, आई नो। हम निकालेंगे इस टेप को, ध्यान रखना एकदम अच्छे से, मिडिल पॉइंट मैच कराना है हमें। अभी बैठ चुका है, अब ये हो चुका है फिट। अब मैं इसमें सिंपली एक एक्सटेंडर का यूज करूंगा, एक्सटेंडर जो है ये ऐसा एक्सटेंडर होगा तुम्हारे पास, इसका एक बोल्ट के साथ होगा, इसको टाइट करूंगा, उसके बाद कैमरा सेट करूंगा। आप कैमरे का, तुम्हारे पास वाटरप्रूफ केस है तो वाटरप्रूफ केस के साथ लगा सकते हो, और बिना वाटरप्रूफ केस के लगाना है तो तुम्हें अलग से एक प्रोटेक्टिव इसके ऊपर केस मिल जाता है, ये वाला ऐसा, तुम उसका यूज़ करो। ये लग गया कैमरा, इसमें अब तुमको इसको यहाँ से एडजस्ट कर लो, टाइट कर लो। अब एक बार मैं इसको पहन के देखता हूँ ये कैसा होता है। तो ये मेरे को सही दिख रहा है वैसे तो, अब जब तक मैं एक बार इसको राइड, जब तक मैं बाइक राइड नहीं करूँ तब तक मेरे को कैमरे का एंगल समझ में नहीं आएगा। वेल ये हो गया है कैमरा, हेलमेट माउंट हो चुका है एकदम अच्छे से परफेक्टली, और हम इसे एक टेस्ट राइड जरूर ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाए एंगल कैसा है कैसा नहीं। ये वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में मैंने एक थोड़ा सा क्लिप डाल रखा है जिसमें पता चल जाए कैमरे का एंगल कैसा है और रिकॉर्डिंग की एक्चुअल क्वालिटी क्या है जब हम राइड करते हैं। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं भी एक मोटो ब्लॉगर हूँ, ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, तो जल्दी मेरे और भी नए नए वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो का क्लिप जरूर देख लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।